अमेरिका शायद इस तबाही से बच जाए, लेकिन यूरोप में एक और युद्ध मुहाने पर आ पहुंचा है। एक और देश में टैंक, तोप और लाखों सैनिक युद्ध लड़ने को तैयार हो चुके हैं। डर है कि अगले 24 घंटे में अगर अमेरिका और नेटो पीछे हटा तो समझ लीजिए कि यूक्रेन से भी बड़ी तबाही देखने को मिलेगी। यूरोप में यूक्रेनी युद्ध स्थल से दूर कोसोवो की सीमा युद्ध मैदान में तब्दील हो रही है। यूक्रेन से 1500 किलोमीटर दूर कोसोवो और सर्बिया के बॉर्डर पर भी घमासान मचने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सर्बिया कोसोवो की दुश्मनी की ताज़ा तस्वीर आपको दिखाने से पहले इस वक्त का सबसे ताज़ा सूरत हाल बता देते हैं। सर्बिया ने कोसोवो की सीमा पर बड़े पैमाने पर टैंक, तोप और सैनिकों को तैनात कर दिया है। कोसोवो में खौफ है कि अब की बार सर्बिया उसकी संप्रभुता को कुचलने पर तुरा है। कोसोवो के खूनी जंग की कहानी आपको डिटेल में दिखाएंगे। अभी ताजा भड़के विवाद और उसके कारण युद्ध के मुहाने पर खड़े सर्बिया और कोसोवो के बीच क्या चल रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। सर्बिया ने सीमा पर तैनाती का कदम तब उठाया है जब उत्तरी कोसोवो में एक मठ में घातक संघर्ष हुआ। बताया जा रहा है कि इस हिंसा में कोसोवो का एक पुलिसकर्मी और सर्बिया के 3 बंदूकधारी मारे गए थे। ये पिछले कुछ सालों में सर्बिया और कोसोवो के बीच सबसे बड़ी हिंसा है। कोसोवो और सर्बिया के बीच सुलगती आग शोलों में किसी भी वक्त तब्दील हो सकती है। हालात दोनों ओर से बहुत नाजुक हैं। अमेरिका ने सर्बिया से अपील की है कि क्षेत्र में शांति के लिए सर्बिया को सीमा से अपने हथियारों और सैनिकों की तैनाती हटा लेनी चाहिए। दुनिया भर के एक्सपर्ट मान रहे हैं कि असल में कोसोवो सर्बिया का संग्राम दोनों देशों के बीच नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि इस लड़ाई में एक तरफ होगा अमेरिका के नेतृत्व में नेटो और दूसरी ओर होंगे रूस और चीन। इन तीनों देशों का कोसोवो सर्बिया में क्या इंटरेस्ट है, क्यों कोसोवो में नेटो ने अपने सैनिकों की तैनाती की है, इसकी विस्तार से चर्चा आगे करेंगे। अभी अमेरिका ने जो ताज़ा बयान जारी किया है वो देख लीजिए। अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि हम कोसोवो की सीमा पर सर्बिया के बड़े पैमाने पर सैनिकों की तैनाती की निगरानी कर रहे हैं। इसमें सर्बिया की अत्याधुनिक तोपें, टैंक और हथियारों से लैस पैदल सेना शामिल है। हमारा मानना है कि यह बहुत ही अस्थिर करने वाला घटनाक्रम है। हम सर्बिया से अनुरोध करते हैं कि वह अपनी सेना को सीमा से हटा ले। अमेरिका अपने से बहुत से छोटे देश सर्बिया से अपील क्यों कर रहा है? कोसोवो में युद्ध छिड़ता है तो अमेरिका को दर्द क्यों होगा? ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि जिस कोसोवो सर्बिया से युद्ध जैसे माहौल की खबरें आ रही हैं वो धरती के किस हिस्से में कहां पड़ते हैं, उनका भूगोल क्या है और वर्तमान से उनका क्या नाता है। सर्बिया पूर्वी यूरोप में एक लैंडलॉक देश है, यानी चारों ओर जमीन से घिरा, जो हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया के साथ सीमा साझा करता है। कोसोवो भी एक छोटा सा लैंडलॉक क्षेत्र है जो सर्बिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जो उत्तरी मैसेडोनिया, अल्बानिया और मोंटेनेग्रो के साथ सीमा साझा करता है। कोसोवो ने 2008 में सर्बिया से स्वतंत्रता की घोषणा की थी, लेकिन सर्बिया कोसोवो को मान्यता नहीं देता है। कोसोवो सर्बिया के बीच दुश्मनी की किल सिर्फ आजादी से नहीं जुड़ी है, बल्कि यहाँ मजहबी रंग भी उस पर चढ़ा हुआ है। वो कैसे, ये आपको दिखाने के पहले ये दिखाना जरूरी है कि कोसोवो में रहने वाले 20 लाख लोगों में से 92% अल्बानियाई और केवल 6% सर्बियाई हैं। सर्व मुख्य रूप से रूढ़िवादी ईसाई हैं, जबकि कोसोवो में अल्बानियाई मुख्य रूप से मुस्लिम है। सर्ब सर्बिया में बहुसंख्यक हैं, जबकि कोसोवो में अल्बेनियाई बहुसंख्यक हैं। सर्ब समुदाय के लोग और अल्बेनियाई सदियों से रह रहे हैं, लेकिन कोसोवो के सर्बिया से अलग होते ही दोनों के रिश्ते बदल गए। कोसोवो की सरकार का कहना है कि सर्बिया उनके देश में हथियारबंद अभियान को समर्थन दे रहा है। कोसोवो में हमले के बाद नेटो शांति रक्षक सेना ने कहा है कि वो अब अपनी उपस्थिति को बढ़ाने जा रही है। दूसरी ओर सर्बिया के राष्ट्रपति ने सेना के हाई अलर्ट होने पर की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि कोसोवो में रह रहे सर्ब कोसोवो से अलग सर्बिया को समर्थन देते हैं, उसे अपना मानते हैं और सर्बिया भी कोसोवो को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है।
1998 99 में सर्बिया में खूनी जंग के बाद कोसोवो अलग हो गया था। 2008 में उसने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। रूस और सर्बिया दोनों ने इसको खारिज कर दिया, लेकिन दूसरे कई ऐसे देश हैं जिन्होंने कोसोवो को अलग देश के तौर पर मान्यता दी। चीन और रूस जैसे देश कोसोवो को एक अलग देश के रूप में मान्यता नहीं देते हैं, जबकि अमेरिका, यूरोपीय संघ के अधिकांश देश, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसे अलग देश के रूप में मान्यता देते हैं। 2008 में कोसोवो आजाद हो गया, लेकिन सर्बिया को ये कभी स्वीकार नहीं हुआ। उत्तर कोसोवो में सर्ब की आबादी ठीक ठाक है और ये लोग सर्बिया को कोसोवो पर हमले के लिए उकसाते रहते हैं। सर्बिया की सरकार रूस और चीन के कहे में अपनी सीमा पर नेटो की शक्तिशाली सेना से भिड़ने के लिए तैयार दिखती है। यूक्रेन जैसे युद्ध के हालात पैदा हो गए हैं। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देश कोसोवो और सर्बिया के बीच का तनाव कम करने पर काम कर रहे हैं, लेकिन कहां तक कर पाएंगे ये बता पाना मुश्किल है। जैसा कि हमने बताया कि यहां भी अमेरिका और नेटो हैं और सामने रूस और चीन हैं, ठीक यूक्रेन की तरह। लेकिन कोसोवो और सर्बिया में जमीनी सच्चाई यूक्रेन की तरह नहीं है। यहाँ कोसोवो में नेटो फोर्सेस की पहले से तैनाती है। कोसोवो को शुरू से ही अमेरिका मान्यता ही नहीं, मदद भी देता रहा है। सर्बिया की सीमा पर तैनाती के वक्त होगा बस ये कि नेटो को भी सेना की संख्या बढ़ानी होगी, जबकि नेटो इस वक्त यूक्रेन में फंसा है। यूक्रेन को हथियारों की मदद देते देते नेटो के हथियार गोदामों के खाली होने की खबरें आ रही हैं। जो बाइडेन किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि यूक्रेन में रूस से उलझा नेटो कोसोवो सर्बिया के झंझट में भी पड़े। ऊपर से कोसोवो नेटो का सदस्य नहीं है, बावजूद वहां नेटो की सेना कोसोवो की सुरक्षा में तैनात रहती है, क्योंकि अमेरिका इसे दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए सही मानता है। इस बात का विरोध सर्बिया करता है, लिहाजा रूस भी सर्बिया के हितों की बात करता है। नेटो की वजह से यूक्रेन पर हमला किया, वही नेटो यहां भी दखल दे रहा है, जिसके बाद ये आशंका जताई जा रही है कि यूरोप में कहीं दूसरे मोर्चे पर भी युद्ध नहीं शुरू हो जाए। कोसोवो में रहने वाले सर्ब या सर्बियाई मूल के लोग खुद को सर्बिया के हिस्से के रूप में देखते हैं। ये जातीय सर्ब कोसोवो की राजधानी प्रिश्तिना के बजाय बेलग्रेड को अपनी राजधानी के रूप में देखते हैं, लिहाजा कोसोवो को सर्बिया से जितनी समस्या है उससे बड़ी समस्या कोसोवो में बसे सर्ब समुदाय के लोग हैं। हालात इतने बुरे हैं कि नेटो फोर्सेस पर भी हमले होते हैं। इसी साल 29 मई को उत्तरी कोसोवो में प्रदर्शन कर रहे सर्ब और नेटो के नेतृत्व वाली कोसोवो फोर्स के बीच झड़पें हुई, जिसमें लगभग 30 नेटो सैनिक और 50 सर्ब घायल हो गए। इस बीच कोसोवो में एयर रेड सायरन बजाए जा रहे हैं, साथ ही लोगों को आगाह भी किया जा रहा है। साथ ही नेटो के केफोर मिशन ने भी बयान जारी कर दिया है कि अगर सर्बिया की तरफ से कोई कार्रवाई होती है तो उसके दस्ते दखल देने के लिए तैयार हैं। इस ताजा तनाव यूरोपीय संघ तनाव में आ गया है, जो कई सालों से देशों के बीच तनाव को कम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सर्बिया इस वक्त पूरी तरह चीन और रूस के साथ दिख रहा है। चीन ने सर्बिया को अपना सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम दिया है। जेगन ने रूस के दोस्त सर्बिया को अपना आधुनिक विमान रोधी सिस्टम HQ-2 सप्लाई किया है। चीन का HQ-9 विमान रोधी मिसाइल सिस्टम मध्यम और लंबी दूरी का सतह से हवा में मार करने वाला अत्याधुनिक सिस्टम है। HQ-22 को चीन के पुराने HQ-2 मिसाइल को अपग्रेड कर बनाया गया है। इस विमान रोधी मिसाइल सिस्टम के रेंज 170 किलोमीटर है। इसका वजन 300 किलोग्राम और लंबाई 7 मीटर है। इसकी एक मिसाइल 180 किलोग्राम तक के वारहेड के साथ हमला कर सकती है। इस तरह से इसे बालकन क्षेत्र के लिए गंभीर खतरा करार दिया गया है। यहाँ आपको बालकन संबंधी जानकारी जरूर देख लेनी चाहिए। दक्षिणी यूरोप का यह सबसे पूर्वी प्रायद्वीप है। ये तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसके पूर्व में काला सागर, इजियन सागर, मरमरा सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर, पश्चिम में इयोनियन सागर और एड्रियाटिक सागर है। उत्तर में सावा, कूपा और डैन्यूब नदियां बहती हैं। इस तरह संपूर्ण अल्बानिया, यूनान, बुल्गारिया, युगोस्लाविया और रोमानिया के कुछ भाग को बालकन प्रायद्वीप कहा जाता है। जाहिर है कोसोवो सर्बिया के बीच युद्ध भड़कता है तो उसकी तपेश पूरे यूरोप ही नहीं
दुनिया में फैलेगी, जो इस वक्त रूस यूक्रेन महायुद्ध में फंसी दुनिया के लिए बहुत तनाव की बात है। ईरान से इजराइल डरा हुआ है, ईरान से अमेरिका